नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें। नमस्कार, देख रहा इंडिया, बोल रहे मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल जेपी। और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के काराकाट प्रखंड के मैं रघुनाथपुर ग्राम में उपस्थित हूं। और रघुनाथपुर ग्राम में हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो कि पैक्स अध्यक्ष हैं, और इन्होंने अभी यही उम्र में गंगा सागर के तीर्थ यात्रा करके वापस आए हुए। तीर्थ यात्रा करके वापस आने के बाद गांव में आज भंडारा के एक आयोजन रखे हुए हैं, और मैं कुछ जानकारियां लेकर के आपको आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा कि गंगा सागर जाने में कितनी कठिनाइयां हुई है इनको, और वहां पर कैसा विधि व्यवस्था है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम कामेश्वर सिंह हुआ जी, ग्राम रघुनाथपुर, पंचायत मोथा, मैं मोथा पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ जी, यही परिचय है मेरा। और अभी गंगा सागर तीर्थ यात्रा से आप वापस आए हुए हैं? हाँ, तीर्थ यात्रा से अभी परसों रोज हम लोग लौटे हैं जी। हाँ, अच्छा, यहाँ से जो गंगा सागर की दूरिया आपने तय किया, गंगा सागर जो कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार अखर, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ऐसा ही नियम बना हुआ है कि एक बार ही गंगा सागर स्नान करना चाहिए। ऐसे वहाँ जाने में तो कष्ट बहुत काफ़ी है, उसका कोई सीमा नहीं है। मैंने करीब करीब 15 घंटा 16 घंटा लाइन में लगने के बाद सीप मिलना, बस मिलना, लेकिन एक ही बार। गंगा सागर जाने से पहले कहाँ जाना पड़ेगा? पहले जाना पड़ेगा कलकत्ता। कलकत्ता से बस चेंज करके आपको 100 किलोमीटर आगे जाइएगा तो गंगा जी मिलेंगी, वहाँ शिव पकड़ के उस पार जाना होता है, गंगा पार। वहाँ से बस पकड़ने के बाद आपको करीब करीब 40 किलोमीटर का दूरी है गंगा सागर का, तो वहाँ बस से मोटा मोटी 1 घंटा का रास्ता है जी। तो वहाँ गंगा सागर आदमी पहुँचेगा जहाँ गंगा जी सागर में मिल रही है। गंगा जी के सागर से मिलन होने के जगह को गंगा सागर कहा जाता है। वही वहाँ पर जो आप लोग जाते हैं तो गंगा में आप लोग स्नान करते हैं या सागर में? वो दोनों एक ही जगह मिल रही है, दोनों में स्नान होता है। यानी जहाँ गंगा और सागर के मिलन मिलन होता है वहीं स्नान होता है जी, उसी को गंगा सागर स्नान बोला जाता है। अच्छा, वहाँ स्नान करने जो जाते हैं, काफी गहराइया होगी, काफी दूरिया तो है लेकिन काफी गहराइया होगी, तो गहराइया के देखते हुए वहाँ पर सरकार की तरफ से क्या वहाँ पर और प्रशासनिक व्यवस्था क्या? प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ अच्छा है, सारे लोग बताते हैं कि ज्यादा अंदर मत जाइए, किनारे ही स्नान करके निकल जाइए। वहाँ पर वो चैन उन लगाए? ना ना, ये सब नहीं है, वहाँ तो समुद्री लहर आता है तो वो सब कबार ले जाता है, चैन उन नहीं लगाया है। अच्छा, समुद्री लहर कब आता है? 12 बजे रात में के बाद वो आता है, वहाँ के लोग बताते हैं। बताते हैं, हम देखे भी, रात में जग करके देखे भी। हाँ, 12:15 में समुद्री लहर उधर से चला, पूरा पानी आगे तक। अच्छा, समुद्री लहर जब चलता होगा तो वहाँ पर तो प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी हैं, प्रशासन लोग जो भी हैं, वो लोग कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। हाँ, सबको अलर्ट कर देते हैं कि समुद्री लहर अब चल दिया है, आप लोग पीछे हट जाइए। अच्छा, गंगा सागर गए, गंगा सागर से आप आए, और वहाँ पर ठंड की क्या स्थिति है? ठंड की स्थिति हम लोग के यहाँ वहाँ उतना ठंड नहीं है, वहाँ ठंड कम है। वहाँ ठंड कम है? हाँ, यहाँ ज्यादा है जी। वहाँ तो हम लोग 2-2:30 बजे रात में स्नान कर लिए थे। अच्छा, स्नान करने के बाद वहाँ कौन सी मंदिर के आप लोग ने दर्शन किया? हाँ, वहाँ स्नान करने के बाद नियम है कपिल मुनि के मंदिर का दर्शन, कपिल मुनि का दर्शन किया जाता है, इसलिए कि वैसा रूल है कि स्नान करने के बाद जब उनका दर्शन कीजिएगा तो उन्हीं का मोहर लगता है कि ना ही गंगा सागर स्नान करने आए थे जी, वहाँ दर्शन करना। अच्छा, यहाँ आप गंगा सागर में थे, आज अपने गाँव में आ गए, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वहाँ भी जाने के बाद बहुत कष्ट तो हुआ लेकिन बहुत आनंद मिला वहाँ जाने कष्ट हुआ लेकिन आनंद हाँ आनंद मिला पूरे परिवार के साथ। पूरे परिवार, हम लोग करीब करीब 21 आदमी थे। हाँ, पूरा परिवार, एक मित्र का भी परिवार, हम लोग 21 आदमी वहाँ, 20-21 आदमी। अच्छा, आज कौन सा कार्यक्रम के यहाँ पर आयोजन? आज वहाँ से आने के बाद घर में पूजा पाठ होता है, भंडारा होता है, पंडित जी को
और गोतिया भाई गांव घर को आदमी खिलाता है, वही आयोजन आज हुआ है जो होने जा रहा है। लगभग कितने लोगों को आप भोजन कराइएगा? लमसम 100-150 आदमी का हाँ आज भोजन बन रहा है, सब लोग भंडारा में खाएंगे। चलिए, और गणतंत्र दिवस भी आ चुका है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के अब तिरंगा लहरेंगे हमारे भारत में शाम से, इसके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवासियों को और पूरे प्रखंड वासियों? मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे भारतवासियों को और राज्यवासियों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शुभ संदेश दे रहा हूँ। चलिए, वतन के रखवाले कभी झुकते नहीं है, बढ़ जाते हैं कदम तो कभी रुकते नहीं। मैं तमाम लोगों से, बिहार के जितने भी लोग हैं और हमारे खासकर रोहतास जिला में जितने भी लोग हैं, मैं आप सबों को सूचित कर रहा हूं कि आप लोग अपने बच्चे को घर में रखे, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं। हमारे बिहार में काफी ठंड है, काफी शीतलहरी है और काफी लोग परेशान भी हैं ठंड से, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जितने भी बच्चे आप लोग के हैं, कृपया स्वेटर और टोपी और कान ढक करके, मुंह ढक करके ही भेजे पढ़ने के लिए, और बिना काम के बाहर आप लोग ना निकले, बाहर बच्चों को ना जाने दें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो सकता है। और सावधान रहें, सतर्क रहें, घर में ही मस्त रहें, आबाद रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओम गुरुवे स्वाहा।